वैसे तो दोस्तों वाराणसी में स्टेइंग के बहुत से ऑप्शन है, चाहे वो महंगे महंगे होटल हो या फिर एयरबीएनबी, सारे अवेलेबल। उनमें से ही एक ऑप्शन है बैकपैकर्स हॉस्टल्स। मस्टाच हॉस्टल वाराणसी का हाईएस्ट रेटेड हॉस्टल है। booking.com पे इसकी रेटिंग 9 है और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इसके काफ़ी पास हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस हॉस्टल के टूर पे। ये बाहर से देखिए हॉस्टल का लुक, काफ़ी सुंदर लुक है। और यहाँ जो स्कूटियाँ खड़ी थी ये इसका पार्किंग स्पेस है। ये मेन गेट, मेन गेट के एंट्रेंस से एंट्री करते ही ये मस्टाच का बड़ा सा बैनर दिखता है और सामने वो जो लाइट्स दिख रहे हैं वही उसका रिसेप्शन है। रिसेप्शन के बगल से ही सीढ़ियाँ निकलती हैं। कैमरा भी ऑफ करते हैं। सीढ़ियों से जब हम चलते हैं तो पहुँचते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ही आपकी डॉर्मेट्रीज वगैरह हैं और एक कॉमन प्लेस है जो कि, आइए मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए आपको इंटीरियर इसका दिखेगा और काफ़ी सुंदर इंटीरियर है। एक व्यू दिखाता हूँ इसका। यहीं पे इसी में किचन वगैरह भी है, कॉमन किचन जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। एक फ्लैट बाथ भी है और एक वर्शिप प्लेस भी है यहाँ पे। अगर आगे की ओर चलते हैं इसी फ्लोर पे एक छोटा सा ये कॉमन प्लेस है जहाँ आप 8-10 लोग हैंग आउट कर सकते हैं। बैठने के लिए भी यहाँ है, नीचे बिस्तर लगे हुए हैं, कुछ लोगों भी चिल करे तो आगे नहीं जाऊँगा। ये देखिए इसका 14 बेड का डोरमेट्री है। सामने एसी लगा हुआ है, यहाँ आप आराम से सो सकते हैं। काफ़ी कोजी प्लेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी शांति बना रहता है। ये देखिए इसका फोटो में आप देख लीजिए कैसा दिखता है। सारी फैसिलिटीज़ है इसमें आपको। यहाँ कपड़े वगैरह टांगने के लिए ऊपर हैं, कुछ यहाँ सामान रखना रख सकते हैं। लाइट्स वगैरह, आपको कुछ पढ़ना है रात में तो आप दूसरे डिस्टर्ब में पर्दा लगा के आराम से पढ़ सकते हैं। फ़ैन वगैरह है यहाँ पे आराम से, सब वर्किंग कंडीशन में, अच्छे वर्किंग कंडीशन में। और नीचे एक बेड के जस्ट नीचे एक लॉकर दिया हुआ है, वहाँ पे अपना आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में बालकनी है। बालकनी से ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। नीचे आपका पार्किंग वगैरह है और सामने बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है और पार्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस हॉस्टल का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस, रूफ टॉप पार्टी प्लेस या फिर कॉमन प्लेस कहते हैं, जहाँ लोग आके डॉर्मेट्री से अपने निकलते हैं और हैंग आउट करते हैं, चिल करते हैं, नए नए लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं। उसके पहले एक नॉर्मल सा एक कॉमन प्लेस है। ये देखिए यहाँ कुछ बुक्स वगैरह रखी, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए लोग कुछ चिल कर रहे हैं। ये है वो कॉमन प्लेस दोस्तों जहाँ लोग पार्टी करते हैं। यहाँ बड़ी स्क्रीन रखी है टीवी की, स्पीकर है, पानी वगैरह की व्यवस्था है। लोग अभी पार्टी कर रहे हैं। मैं 360 डिग्री व्यू नहीं दूंगा लेकिन फ़ोटो में से आप आराम से देख सकते हैं। वो जो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने दोस्तों आपको एक वर्शिप का प्लेस बताया था उसे देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का व्यू, वहाँ एक बेड भी लगा हुआ है और ये देखिए वर्शिप का प्लेस है। बेसिन वगैरह है, कंघी वगैरह कर सकते हैं आप, यहाँ शीशा वगैरह लगा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ बाथरूम, बहुत ही साफ़ सुथरा है, काफ़ी स्पेसियस है। इसके लिए मैं 10/10 रेटिंग देना चाहूँगा।